चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस सर। केमिकल काइनेटिक्स चल रहा था, ठीक है ना? आज तो पूरा खत्म कर देंगे जितना देर लगे। ओके सर, आज कल तुम लोग खत्म करने दिया, कल परसों तुम लोग रोक लिया, कल भी रोक लिया, कल ही पर चल जाता हूँ। मैंने ट्रिग्नोमेट्री खत्म कहाँ कर दिया, साइन एक्स तक गए थे। अरे बारिश का मौसम कितना खराब हुआ सर, ऐसे ही डालिए सिम 100 मान लो अच्छा ये डालेंगे तभी हम तो अरे मान लो कुछ भी डाल देना मेरा नाम डाल देना ठीक है ना फिर भी डिस्काउंट मिलेगा 5% कुछ भी डाल देना 5% डिस्काउंट मिलेगा ऑब्वियसली पता है मतलब डिस्काउंट देना ही है अगर सब में डिस्काउंट देना तो कोई भी अपना नाम बताए वो नाम देने से क्या होता है उसको अपना कुछ परसेंटेज में सब मिलता कॉपीराइट फोन मार देगा अभी इतना स्किप मारना पड़ेगा हां स्किप कर अच्छा क्या चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स क्या चल रहा था चैप्टर का नाम भी देते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दर्शन जब तक पूजा पाठ कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 2 यस कर दें कहां तक हो गया था बताओ तो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स कर लिए थे रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस वाला कर लिए थे अच्छा रेट लॉ क्या होता है बता तो कोई बता तो रेट लॉ रेट लॉ ओए अमन बोलो रेट लॉ हां डिवाइड बाय अरे रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम फॉर चेंज इन एनी कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम रेट होता है ठीक है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेकिन रेट लॉ कैसे लिखते थे पता है रेट इज इक्वल टू के ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई वाई पता है कि नहीं अच्छा और x plus y क्या होता है तेरा order of the reaction वार तो जानता है तुम सीख गया तुम x plus y order of the reaction अच्छा मान लो सुनो एक काम करते हैं यहाँ पर एक ही concentration मान लो एक ही है मान लो c से बन रहा है क्या d ठीक है ना c से बन रहा है क्या d अगर हम इसका rate law लिखना है rate कैसे लिखेंगे rate is equal to k C का पावर n बोलो है ना ऑर्डर ऑफ वेरिएशन को मालूम नहीं है मान लेते हैं n मेरा ऑर्डर है क्या है ऑर्डर है n n मेरा क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हम यहां से k पता करें तो क्या k क्या आ जाएगा बता दो k इज इक्वल टू रेट अपॉन C का पावर n हो जाएगा बोलो है ना बोलो है ना yes. बोलो हुआ कि नहीं बोलो हाँ या ना लिखो तो लिखो अच्छा लिखो मत बाद में घर में लिख लेना ठीक है ना हम डायरेक्ट खत्म करवाते हैं वीडियोस लिख लेना तुम लोग हाँ लिख लेगा ना लिखना जरूरत नहीं उसको टाइम वेस्ट हो जाता अपना टू स्मार्ट एज वेल एज हार्ड वर्क ठीक है अच्छा हम बात करते के का यूनिट का बात कर सुन हुआ था क्या बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया एक बार जेई का सवाल था इतना बड़ा क्वेश्चन यू बड़ा क्वेश्चन ठीक है ना उसमें ये वैल्यू दिया अगर तुम वो सब वैल्यू यूज करता तो हो सकता था तुम्हारा आंसर आ जाता हो सकता तुम्हारा आंसर आ जाता उसमें पूछा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ठीक है ना लेकिन अगर जो स्मार्ट आदमी था ना उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मात्र एक सेकंड में निकालता क्या सिर्फ के का यूनिट देख करके ऐसा यूनिट देख करके के का सिक्के का यूनिट देखता बताता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये दिखाया कैसे ठीक है देखो फाइंड करते यूनिट ऑफ के आप तो सब सीख गया है समझा ये टेक्निक सब सीख गया मान फिर भी दे सकता है गलती करने वाला तो गलती नहीं कर सकता है ना यूनिट ऑफ के का बात करते सुनो अच्छा रेट मतलब क्या होता है रेट मतलब अरे ठीक है किसका डिवाइड कॉन्सेंट्रेशन का किसका मतलब रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम पता है कि नहीं मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर बोलो हाँ यहाँ मोल पर लीटर सेकेंड टाइम मतलब सेकेंड बोलो हाँ यहाँ लेकिन इसको बढ़िया से लिखा जाए तो क्या रहेगा
मोल पर मीटर इनटू सेकंड बोलो हाँ या ना है कि नहीं। ये मेरा हो गया क्या रेट, रेट का एसआई यूनिट बोलो हाँ या ना, रेट का एसआई यूनिट बोलो हाँ या ना, इसको एसआई यूनिट है, रेट का क्या है एसआई यूनिट पता है ना, क्लियर। कॉन्सेंट्रेशन का मोल पर लीटर और टाइम का सेकेंड, ठीक है ना। मोल पर लीटर को हम लोग मोलर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मोलर, याद रखना क्या बोलते हैं मोलर, क्या बोलते हैं मोलर, मोलर समझ में आ रहा, ठीक है। अच्छा सुनो, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बता दो, कॉन्सेंट्रेशन का मोल पर लीटर ये पता है ना, कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलते हैं मोल पर लीटर, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है मोल पर, अभी बताया ना रे मोल पर लीटर, यही तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन था ना, जिसको मोलर बोलते हैं, पता है कि नहीं, है ना, ठीक। अब देखो के की जगह पुट करो, के इज इक्वल टू क्या है, रेट मतलब रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन का पावर एन, बोलो है ना, एन मेरा क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है कि नहीं, रेट कैसा यूनिट लिखो, क्योंकि के कैसा यूनिट निकालना, सब कैसा यूनिट लिखो, रेट कैसा यूनिट क्या हो गया मोल पर लीटर सेकेंड, बोलो है ना, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन का क्या है मोल पर लीटर का पावर एन, बोलो है ना, बोलो है ना, एन है ना उसके अंदर में, बात समझ सबको क्लियर है, क्लियर है अंतरा, क्लियर है माइकल, क्लियर। अच्छा इसको बढ़िया से कैसे लिख सकते हैं, मोल का पावर एन एल का पावर एन नहीं लिख सकते बताओ, मोल का पावर एन अपॉन एल का पावर एन नहीं लिख सकते, बोलो है ना, ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं ना, 2/3 का पावर होल पावर एन, 2/n/3 पावर एन ले सकते आराम से। अच्छा नीचे वाला चल जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबको पता है बोलो है ना, नीचे वाला चल के ऊपर चल जाता पता है कि नहीं, है ना, शाबाश। अच्छा इसको मिटा देते, क्या जाएगा, के इज इक्वल टू मोल इंटू लीटर का पावर एन डिवाइड बाय क्या जाएगा, मोल इधर वाले पे तो मोल का पावर एन, बोलो है ना, मोल का पावर एन इंटू लीटर का पावर कुछ नहीं मतलब वन ही रहेगा, बोलो है ना, इंटू सेकेंड, बोलो है ना, और कुछ नहीं मतलब क्या, मोल का पावर कुछ नहीं मतलब वन, लीटर ऊपर गया लीटर पावर एन, बोलो है ना, लीटर ऐसे ही लीटर से रहने दिए, सेकेंड ऐसे सेकेंड ऐसे रहने दिए, मोल पावर एन था, मोल पावर एन से जाके रहेंगे, बोलो है ना, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, शाबाश, यहाँ तक क्लियर है, इधर का मिटाए, इधर का मिटाए, इधर क्या हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा ए का पावर एन बाय ए का पावर एम, ए पावर एम बाय ए पावर एम, क्या ए पावर एम माइनस एन है कि नहीं, बेस अगर सेम रहता है डिवाइड में है तो क्या हो जाता है, डिवाइड में बेस सेम रहता है माइनस रहता है, इंटू में रहता है तो प्लस हो जाता है, पता है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा मोल का पावर वन माइनस एन, बोलो हाँ ना, यहाँ क्या जाएगा लीटर का पावर एन माइनस वन, बोलो हाँ ना, और सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स, बोलो हाँ ना, बोलो हाँ ना, क्लियर। अब ये मेरा किसका ऑर्डर है, ये मेरा ऑर्डर है nth ऑर्डर का, इस ऑर्डर का है nth ऑर्डर का, क्योंकि nth बार निकाल लेना n के लिए, nth ऑर्डर के लिए, किसके लिए nth ऑर्डर के लिए, बोलो हाँ ना, अगर हमको यूनिट चाहिए k का यूनिट चाहिए जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए चाहिए जीरो ऑर्डर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, किसके लिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के लिए चाहिए तो क्या बोल देंगे n इज इक्वल टू जीरो, बोलो हाँ ना, पुट कर क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू मोल वन माइनस जीरो मतलब वन ही रहेगा, बोलो हाँ ना, लीटर जीरो माइनस वन मतलब माइनस वन रहेगा, बोलो हाँ ना, और सेकेंड इनवर्स तो चुपचाप ऐसे रहेगा, बोलो हाँ ना, ये मेरा किसका ऐसा यूनिट हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, बोलो हाँ ना। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए चाहिए तो फोर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए चाहिए तो क्या होगा एन इज इक्वल टू वन, बोलो हाँ ना, बोलो हाँ ना, तो क्या आ जाएगा के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स ए वन पुट कर वन माइनस वन एन इज पावर जीरो वन माइनस वन एन पावर जीरो वन इंटू वन इंटू सेकेंड इनवर्स मतलब क्या जाएगा, अरे शाबाश, यही क्वेश्चन में था मालूम है, के का वैल्यू समथिंग इंटू सेकेंड इनवर्स दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्वेश्चन में के इंटू समथिंग पावर में इनवर्स दिया हुआ, बहुत बड़ा क्वेश्चन इधर उधर घुमा घुमा ये वो दिया हुआ,
मुझे फाइंड ऑर्डर रिएक्शन 0 1 2 3 4 आंसर क्या था 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसा रिएक्शन था ये कैसा रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल लेगा यूनिट निकाल के दिखाई थे सेकंड और थर्ड के लिए सेकंड थर्ड के लिए निकाल के दिखाओ अभी सीखा क्या दिया से कहा गया इतना लेट किया सेकंड और थर्ड बोले सर हाँ सेकंड थर्ड जल्दी निकालो कोई बात नहीं लेक्चर रिकॉर्डेड देख लेना हाँ। रिकॉर्डेड है ठीक है निकालो इसको मिटाते हैं फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया क्या ठीक वेरी गुड वन बहुत गंदा मिलर मारा ये भी मारा मेडिसन देखो क्वेश्चन सुनो क्या शॉर्ट फ्रंट रहा 30 सेकंड में जाना चाहिए सवाल एक मिनट बहुत हार्डली है देखो देखो फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करो सुनो क्वेश्चन सुनो फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ठीक है ना ये क्वेश्चन अभी पहले बार करवा रहा है ठीक है ध्यान दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करवाना है हमको क्या मालूम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा निकलता है कभी भी लोग थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं कैसे निकलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है एक्सपेरिमेंटली कैसे एक्सपेरिमेंटली बता ना एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं ठीक है सुनो हुआ क्या हम लोग 2P+Q लिए कोई केमिकल लिए P और Q कोई केमिकल लिए इसमें 2 मोल्स ऑफ क्या था P आगे हम लोग क्या बोलते हैं मोल्स क्या बोलते हैं मोल्स 2 मोल्स ऑफ P लिए और 1 मोल्स ऑफ Q लिए तो हमको मिला क्या 1 मोल्स ऑफ S मिला ठीक है ना मान लेते हैं पहला एक्सपेरिमेंट किए तो P का जो कॉन्सेंट्रेशन था कितना था 6×10⁻²⁺ मोल पर लीटर और Q का जो कॉन्सेंट्रेशन कितना था 1×10⁻²⁺ मोल पर लीटर और रेट ऑफ रेट कितना आया 0.0012 ठीक है इतना रेट आया सेकेंड वाला सुनो सेकेंड एक्सपेरिमेंट किए इतना हुआ इतना लिए रेट आया इतना थर्ड एक्सपेरिमेंट किया इतना लिए एक्सपेरिमेंट आया रेट आया इतना बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है ट्राई करो अंतर हो जाएगा इजी लग रहा इजी है ना ट्राई करो तुम भी ट्राई करो ऐसा सवाल जेई में हर बार पूछता है जेई भी बोर्ड भी बोर्ड में आया था ना सवाल ऐसा आया था ना बोर्ड का पेपर उठा रहे जेई पेपर सवाल उठा रहे एक्सपेरिमेंट वाला सवाल रहेगा
ये या फिर एक अब एक्टिवेशन एनर्जी वाला या अरेलियस इक्वेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। अंदर वो कल तीनों डिग्री सॉल्व हो जाना चाहिए। हो गया सवाल? कैसे करेगा किसी को पता है? काम करके दिखाएंगे कितना उधर लेगा। लेट्स ट्राई। क्वेश्चन लिखा लिखी गाइड करो, गाइड आंसर लिखो, लिख दिया ठीक है। इस बार अगला बार से क्वेश्चन मत लेना, घर में जाकर क्वेश्चन लिखना, ठीक है। वीडियो बंद कर रहा अभी कुछ भी नोट नहीं करवा रहे, सब वीडियो घर में जाकर नोट करें, धड़ धड़ पार करेंगे। घर में बैठ ले रहा था तो लोग धड़ को ज्यादा देना नहीं। पानी चाहिए कल से? नहीं आज पास है किस चीज का? आज बस क्या रखा है? व्रत रख रहा है। कंट्रोवर्सियल हो जाएगा। अरे नहीं, हाय हाय डिनर क्लासेस, हाय हाय अगला दिन गोबर से आए उधर से देखेगा टमाटर सड़ा हुआ देख है क्वेश्चन चिपका दे रोड पर क्वेश्चन चिपका दे सारे पॉपुलैरिटी मिलेगा लेकिन कंट्रोवर्सियल बन जाएगा। बड़ा क्या जानते थे यस खाली सुनने के देरी उधर क्वेश्चन करें। देखो तीन तो मेरे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट होना है ना, अंदर ऐसा आ रहा है क्या? प्लस नहीं तो होगा ना? हाँ बेस होता है प्लस नहीं ठीक। इधर नीचे भी प्लस में आपको वहाँ जगह सोई देना है। क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री बनेगा, डिवाइड कर देना बना जो अंतर ठीक बना रही। चलो अंदर कर दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बट अमन का वो क्या नाम है? देखो देखो तीन एक्सपेरिमेंट हुआ बोलो हाँ या ना? ओए ओए ध्यान 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 दो। तीनों को रेट लॉ के थ्रू लोग करना है। क्या करना? रेट लॉ थ्रू। रेट में क्या मालूम है? रेट इज इक्वल टू क्या होता है? रेट इज इक्वल टू के पी का पावर क्या हो जाएगा? टू ना, है ना? गधा कहीं का कभी मत लिखना। हम क्या बोले? ये जो होता है वो ऑर्डर हमारा नहीं है, सही बात। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कोएफिशिएंट नहीं लेना है, हमेशा याद रखना कोएफिशिएंट से तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं है। तो नहीं मालूम ऑर्डर क्या, इसलिए पी को क्या लेंगे? एक्स क्या लेंगे? ठीक है ना। और क्यू का पावर क्या मान लेते हैं? नहीं मालूम तो क्या हो जाएगा? वाई। क्या हो जाएगा? रेट कितना है मेरे पास? 0.001। के पी का पावर पी कितना दिया हुआ है? 6×10⁻²। उसका पावर एक्स बोला है ना?
और क्यू कितना दिया हुआ 1 × 10⁻¹, उसका पावर कितना दिया है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड में क्या दिया हुआ 0.0024 बोला है ना, के पी कितना दिया 6 × 10⁻¹, उसका पावर एक्स, ये कितना है 2 × 10⁻¹, ये हो गया, ये हो गया मेरा इक्वेशन, इक्वेशन थ्री क्या आ जाएगा 0.0024 बराबर के 12 × 10⁻¹, इसका पावर x, इधर है 1 × 10⁻¹, इसका पावर y, ये हो गया मेरा इक्वेशन। अब यहां से x y नहीं निकलेगा, बोलो पहले काम करो, इससे इसको डिवाइड कर दो, इससे इसको डिवाइड करो पहले x को, के के कट जाएगा, ये 1/2 बार में कटेगा, 1/2 जा बोला है ना, फिर ये और ये कट जाएगा पूरा, 10⁻²y, 10⁻²y कट जाएगा, 1/2y इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, सॉल्व करो मैथ से, कर लिया से ठीक है ना, नीचे लिखा कर दिया, फिर इससे इसको डिवाइड कर देना, इससे इसको डिवाइड कर देना, x और y के लिए निकालना, एक दूसरे से डिवाइड कर दिया, समझ बात, खाली मैथ है ठीक है, चलो कम ऑन कैलकुलेटिंग, कितना आसान सवाल था बताओ, ये सवाल पूछेगा ना एक बार सीट से उछल के डांस कर लेना ठीक है ना, यस 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 कर लेना ठीक है ना, तो नहीं सवाल गिर गया रे तेरी, जेई में मतलब पता है क्या घुसता है, एक्यूरेसी, और नीट में घुसता है स्पीड विद एक्यूरेसी, क्योंकि नीट का क्वेश्चन टफ नहीं रहेगा, हम पहले बता दे रहे हैं, नीट का क्वेश्चन टफ नहीं पूछता है, तो एस न्यूमेरिकल्स बहुत कम, एस एस अंतर नीट का क्वेश्चन में रेट ऑफ अपीयरेंस इंसिडेंस भरा रहेगा, तो सब भी रहेगा, हम बता दे रहे हैं, लेकिन जे हाँ जे के लिए पूछेगा, उसका यूज देगा, हाँ नहीं मतलब पेपर में टफ नहीं आता, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कितना आता है, हर बार का क्वेश्चन रहता सर, दिखा दीजिए, ये दिखा दो, ये बता दो, मैं 720 नंबर का क्वेश्चन, हां 720 नंबर का, अब तुम लोग के डबल डबल से ज्यादा 70 क्वेश्चन होता है इसका, ये तो ज्यादा होता है, बायोलॉजी में तो खेल हो जाता है, शायद 90 क्वेश्चन 35 होता है, बायोलॉजी में 90 होता है, हां 60 मार्क्स 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में, 45-45 के 10 क्वेश्चन, और इस सब पैटर्न और चेक नहीं भी देख लेते हैं, बायो तो क्लियर है ना, अब देखना वहाँ पर अटैक मत जाना, बता दो बायो के एग्जाम कैसे गया, छूटा नहीं ना, ऐसे ऑप्शन रहेगा छोटा मार्क्स, अंदर कोई बेच रहा है आलू ले लो गाजर ले लो, अच्छा ये तो पूजे चल रहा है, हम लोग बाहर को कोई बेच रहा है, मजाक नहीं कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है, ये वो अंदर क्यों जो से गलती बोलती माफ करो, क्या वाला मुझे कंट्रोवर्सियल हो रहा है, गलती हो रहा है, लेकिन सब पे आएगा मेरे घर पर जरदा नहीं दी, आधार कार्ड का नाम क्या लिया आपने, ओए आधार कार्ड का नाम क्या दिया गया, क्या अगला दिन पता चला तेरी बाहर से आ रहे हैं, आज ना बैठे थे डिटेल क्लास आ यार, अरे बस मास्क पहन के करना पड़े क्लास, चेहरा नाम चेंज करना पड़ जाए, कौन है तू, डिवाइड कर दूँ बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2, या हो गया आंसर आ जाएगा, बोलो हाँ ना, मिटा दे इसको, ये कर देगा, कर लेगा ना, ये कर दे, कर दे, कर दे, देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं ठीक है ना, और ध्यान दे, तेरा ध्यान दो, 1 और 2 को डिवाइड करते हैं बचेगा 1/2 होता है ना, के कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा 1 का पावर x 10⁻², 2 का पावर x, बोला है ना, इसको बढ़िया से ए वाई 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 वाई, बोला है ना,
बचेगा ना, 1 का पावर y इंटीजर का माइनस 2 का पावर y। ओए माइकल ध्यान दो सर, कहाँ नींद में तुम सोता नहीं है क्या? फोन छीन लेंगे, फोन छीन के मदद देंगे। देखो इधर ध्यान दो, इधर इधर का 2 का पावर y इंटू 10 का माइनस 2 का पावर y, ध्यान दो सर। ये कट जाएगा, बोलो हाँ या ना, कट जाएगा ना, के कट गया, ये पूरा कट गया, ये तो डिवाइड करने पे 1 बाय 2 खाली बचा, पावर y y बचा, बोलो हाँ या ना, और ये पावर 2y 2y कट गया, बोलो हाँ या ना, इधर भी ये 1 और 2 वाला कट गया, बोलो हाँ ना, 12 दूनी 24 है ना, बचेगा कैसे, क्या बचेगा, 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 का पावर y, बोलो हाँ या ना, बचा कि नहीं, है ना, इसका पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 बेस से, मतलब y इज इक्वल टू 1, बोलो हाँ या ना, y का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करो, इससे इसको डिवाइड करो, ये कट जाएगा, बोलो हाँ या ना, ध्यान दो जितेंद्र, इससे इसको डिवाइड करते, ये कट जाएगा, बचेगा 1, बोलो हाँ या ना, के कट गया, बोलो हाँ या ना, ये 6 1 जा 6 2 जा, बोलो हाँ या ना, 1 बाय 2 बचेगा इधर, इसका पावर बचेगा x इनटू ये वाला कैंसिल, बोलो हाँ या ना, इधर में ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, बचेगा 2 का पावर y, बोलो हाँ या ना, तो फायदा कुछ हो रहा, मैं बोल रहा हूं कुछ फायदा नहीं हो रहा, इससे इसको डिवाइड करते देखते हैं, बोलो हाँ या ना, इससे इसको डिवाइड करते, ठीक है, इसमें y का वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर देगा 2 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, पर फर्क नहीं पड़ता, वो उनको नहीं करते, पता ना, वो नहीं करते, मान के चलो उतना टाइम नहीं मेरे पास, देखना कैसे, देखना विजुअलाइज कैसे करना वो बता रहे, कैसे विजुअलाइज करो, इसको इससे फिर से डिवाइड कर दो, 1 2 डिवाइड किया ना, 1 3 डिवाइड, आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा, ठीक है, विजुअलाइज करना सिखा रहा हूं, ठीक, 1 और 3 भी डिवाइड करो, बचेगा 1 बाय 2 बराबर के कट जाएगा, 1 बाय 2 बचेगा, बोलो हाँ ना, बोलो हाँ ना, और ये पूरा कैंसिल, मतलब क्या देगा यहाँ पर, मतलब x बराबर पूरा पावर क्या है एच, ये वाला और ये वाला खत्म, ये वाला पूरा वन बाई टू पावर एक्स है और वन बाई टू है, इसे पावर कुछ नहीं, मतलब वन बेस से एक्स इक्वल टू, तो वाई इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन, ऑर्डर क्या जाएगा, समझे बात समझे, मिटा दे इसको, सुनाई दे जी, वाई नॉट आई विल मेरे नैना सावन भदू।